अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ तीन बेहतरीन होममेड नेचुरल फेस क्लींजर विद फेस मास्क शेयर करूँगी, जो तीन अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हैं, जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और स्किन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल, धूल मिट्टी, डर्ट और पोल्यूशन वगैरह होता है, इसको भी रिमूव कर देगा। स्किन के पोर्स को टाइटन करेगा और स्किन से जो डार्क स्पॉट्स को भी क्लीन कर देगा और आपकी स्किन को क्लीन, हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रेमेडी स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहली हमारी रेमेडी है फेस मास्क ग्लोइंग स्किन के लिए। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन, ठीक है, जो मेन हमारी रेमेडी का इंग्रेडिएंट्स है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हनी, ठीक है। इतना सा ऐड करना है और बाकी हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं मेगा केयर का यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये ऐड करके तकरीबन 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें और एक पैक रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। इस फेस पैक को आप हफ्ते में तकरीबन डेली यूज कर लें। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप लोग इसको डेली यूज करें। जब भी फेस धोएं तो इसके साथ अपना फेस धोएं, ठीक है। ये आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन को नेचुरली ग्रोइंग बनाएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह का पेस्ट आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह लगा लेना है। लगा के उसके बाद सर्कुलर मोशन में तकरीबन 10 से 15 मिनट इसकी मसाज करनी है हल्के हाथों से। ये आपके डार्क एरियाज जो है वहां पे भी अच्छी तरह मसाज करनी है। 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद इसको आप लोगों ने नॉर्मल पानी से धो लेना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको डेली यूज करें तो बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को इसके मिलेंगे। जरूर एक दफा मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को लगा के धो के फिर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने 15 मिनट मसाज करने के बाद फिर इसको मैंने नॉर्मल टैप के पानी से धो लिया, ठीक है। अब हमारी दूसरी रेमेडी है, इंस्टेंट ब्राइटन स्किन। जो अपनी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करना चाहते हैं, किसी शादी वगैरह पे जाना है तो फेस को जल्दी जल्दी चिट्टा गोरा करना है, तो आप लोग ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन, ले लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ही दही। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हल्दी। ये देखिए इतनी सी, और इस सारे पेस्ट को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे जो बेसन है वो हमारी स्किन के पोर्स को डीपली क्लीन करेगा और जो हमने इसमें दही ऐड किया है वो हमारी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग करेगा और जो हमने इसमें हल्दी ऐड किया है वो हमारी स्किन को ब्राइटर बनाएगी, ठीक है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप लोगों ने अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। उसके बाद फेस के ऊपर रोज वाटर से स्प्रे करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने ये फेस पैक अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। इसको भी आप लोगों ने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने फेस पर इंस्टेंट ग्लो पाना चाहते हैं तो इस फेस पैक को हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट इसके हैं। ये देखें जी, मैंने इसको 15 मिनट मसाज करने के बाद इसको मैंने वॉश कर लिया है, ठीक है। आप लोग भी ऐसा ही करना। अब हमारी थर्ड रेमेडी है रिमूव डार्क स्पॉट्स फॉर फ्रॉम फेस, ठीक
ठीक है, फेस से जो आप लोगों के फेस के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ रेमेडी। सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए और इसमें फिर अगेन 2 टेबल स्पून बेसन चाहिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, ये देखिए 1 टीस्पून तकरीबन ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क, रॉ मिल्क आप लोग बकरी का ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप लोगों को उसके बाद अगर आप लोगों के पास बकरी का नहीं है तो आप लोग के पास गाय का अवेलेबल है तो गाय का भी ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप लोग भैंस का भी ले सकते हैं, वो तो हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका एक पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं मिल्क, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये फेस पैक आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है, साथ साथ ये आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो लाएगा और बहुत ही ब्राइटन फेस आपका कर देगा। ठीक है, ये रेमेडी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको आप लोग हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 बार इसको भी आप अप्लाई कर लें। इसका भी सेम मेथड है, आप लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने फेस धोने के बाद, वॉश करने के बाद, रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद, उसके बाद आप लोगों ने ये फेस पैक अप्लाई करना है और इसको 15 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप लोगों ने नॉर्मल ठंडे पानी से धो लेना है। ठीक है, ये थे जी हमारे 3 फेस पैक। अगर आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर हेल्पफुल लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आऊँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी रेमेडी लेकर, तब तक के लिए मेरी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।